नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और स्वागत है आपका प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं विश्व की बड़ी खबरों की ओर। मारियुपोल और कीव में यूक्रेनी सेना का पलटवार, 28वें दिन भी आगे नहीं बढ़ पाई यूक्रेनी सेना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी कैंप से बचकर लौटा था 96 साल का यूक्रेनी शख्स, खारकीव में रूसी बमबारी में गई जान। ताइवान के ताइपे में देर रात लगे भूकंप के जबरदस्त झटके, रिक्टर स्केल पर 6.7 रही तीव्रता। जंग के बीच रूस बोला, अस्तित्व का खतरा हुआ तो सिर्फ परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान दिवस परेड में आमने सामने होंगे इमरान और बाजवा, अविश्वास प्रस्ताव से पहले पीटीआई में बड़ी बगावत। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस की पावर सप्लाई का बहिष्कार, ठीक नहीं जंग के बीच बोले जर्मन चांसलर। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोरिस जॉनसन ने की पीएम मोदी से बात, दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का किया आह्वान। WHO ने जताई चिंता, कहा यूरोपीय देशों ने कोरोना के उपायों को नहीं लिया गंभीरता से, इसलिए बढ़ रहे मामले। पाक के खैबर पख्तूनवा में बड़ा हमला, सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में 4 आतंकवादी ढेर। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन हुई कोरोना पॉजिटिव, बिल भी हुए क्वारंटीन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लगातार 28 दिनों से युद्ध चल रहा है। आज इस जंग का 28वां दिन है, जहां एक तरफ इस जंग की शुरुआत हुए लगभग एक महीना होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ अभी जंग खत्म होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। 28 दिनों से रूस लगातार यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर हमला कर रहा है। इन हमलों में हजारों की अभी तक जाने भी जा चुकी हैं, जबकि लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में यूक्रेनी सेना ने शुरू से ही जिस तरह मॉस्को सेना का मुकाबला किया, उससे उसकी जबरदस्त तारीफ हो रही है। लेकिन पिछले कई दिनों से ये तारीफ और ज्यादा बढ़ गई है। कई देश यूक्रेन के अब सपोर्ट में आ गए हैं और रूस के आक्रामक रुख को देख कई पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वह यूक्रेन की तारीफ की वजह से यूक्रेनी सेना का जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, इस मिसाइल के जरिए यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना पर खूब कहर बरपाया और उनके कई टैंक नष्ट कर दिए। सैन्य विशेषज्ञ भी इस बात को मान रहे हैं कि अमेरिका में बने इस हल्के लेकिन घातक हथियार ने यूक्रेन के सैनिकों की रूसी टैंकों और तोपखानों को भारी नुकसान पहुंचाने में काफी मदद की है। रूसी सैनिक जैसे जैसे कीव की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही यूक्रेनी सेना ने इसका इस्तेमाल और ज्यादा तेज कर दिया है। तो आपको बताते चले कि लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि अब इस युद्ध को तकरीबन एक महीना होने को है। कई देशों ने इस दौरान रूस पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं और लगातार जिस तरह से यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, उसकी अब पूरे देश में, पूरे विश्व में तारीफ भी हो रही है। स्पेस को लेकर अक्सर एक सवाल हम सभी के दिमाग में उठता है कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रहों की खोज की है जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये ग्रह मिलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस खगोलीय सीमा से बाहर जाकर नए ग्रहों की खोज की है और पुष्टि भी की है कि अंतरिक्ष की गहराई में करीब 5,000 से अधिक ग्रह मौजूद है जिनकी खोज होनी अभी बाकी है। नासा ने अंतरिक्ष की खोज में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। 65 नए ग्रहों की खोज के साथ नासा ने हमारे सौर मंडल के बाहर तारों के चक्कर लगाते हुए कुल 5,000 से अधिक खगोलीय पिंडों की मौजूदगी की पुष्टि की है। नासा ने एक अध्ययन में बताया कि 65 नए ग्रहों की खोज की जिन पर पानी, सूक्ष्म जीव, गैस जैसे तमाम जो जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो मौजूद हो सकती हैं।
इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भारत इजराइल संबंधों को परस्पर सराहना और सार्थक सहयोग पर आधारित बताते हुए कहा कि वो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल के पहले सप्ताह में भारत का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नवाचार और प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और साइबर, कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है। इजराइल के प्रधानमंत्री के विदेश मीडिया सलाहकार ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर शनिवार यानी कि 2 अप्रैल 2022 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं की मुलाकात पिछले वर्ष अक्टूबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से इतर हुई थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के अपने समकक्ष बेनेट को भारत के आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। यही वजह है कि अब उनके आमंत्रण पर इजरायली प्रधानमंत्री 2 अप्रैल को यानी कि अगले महीने उस दिन शनिवार है दौरे पर आ रहे हैं। फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या के जांच के लिए उनके परिवार वालों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। सिद्दीकी के परिवार के वकील अवि सिंह ने कहा कि पत्रकार की हत्या के लिए जिम्मेदार तालिबान के उच्च स्तरीय कमांडरों पर कानूनी कार्रवाई के मकसद से शिकायत दर्ज कराई गई है। पिछले साल 16 जुलाई को सिद्दीकी अफगानिस्तान में अपना काम कर रहे थे जब उनकी हत्या कर दी गई थी। वो कंधार शहर के स्पिन बोलदक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच जंग को कवर कर रहे थे। सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन और कार्यवाहक प्रथम उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर समेत अन्य तालिबान कमांडरों के विरुद्ध औपचारिक शिकायत अब इस मामले पर दर्ज कराई गई है। विश्व की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।